हेलो बच्चों, इससे पहले हमने आपको केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर में कुछ टॉपिक पढ़ाए थे और मैं टॉपिक वाइज ही चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका स्टैकोमेट्री गुणांक या स्टैकोमेट्री कोफिशेंट है। एक अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको ये टॉपिक आना चाहिए। आपको मैं बहुत आराम आराम से समझा दूंगा, भले ही थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि स्टैकियोमेट्री है क्या। पहले उसको समझ लेते हैं हमारे पास कि स्टैकियोमेट्री है क्या। ये मेरे पास है, ये लिखा है स्टैकियोमेट्री। यहाँ लिखा है इसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों, देखो इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं अभिकारकों और उत्पादों, इनको बोलते हैं प्रोडक्ट। इनको बोलते हैं प्रोडक्ट के द्रव्यमानों और कभी कभार आयतनों का परिकलन आता है। ये स्टैकोमेट्री हो गई। अब जिन बच्चों को नहीं पता कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, मैं आपको थोड़ा सा उनके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर कोई रिएक्शन है, ए प्लस बी सी प्लस डी, ये कोई इक्वेशन है। तो जो आपका एरो के इस साइड होगा इनको बोलते हैं हम क्या? अभिकारक। अभिकारक इनको बोलते हैं रिएक्टेंट। अब जो बच्चे बिल्कुल बेस से पढ़ेंगे उनके लिए थोड़ा आसान हो, मतलब ये समझे कि रिएक्टेंट है क्या, और जो जिस बच्चों ने पढ़ रखा है और जो नीट का पढ़ना चाह रहे हैं वो सब समझते हैं। और जो एरो के साइड लिखा होता है उसको बोलते हैं क्या हम? उत्पाद, या बोलते हैं इंग्लिश में भाई प्रोडक्ट। क्लियर? रिएक्शन से इस साइड का अभिकारक, उस साइड का आपका प्रोडक्ट, तो इनके बारे में जानकारी देता है। ठीक है, ओके ठीक है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है आपका स्टैकियोमेट्री गुणांक। हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है, ये बहुत आसान है, ये भी इसको मैं आपको एक दो तीन एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। इसमें वो इंग्लिश बोलते हैं इसको स्टैकियोमेट्री कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पर कुछ रिएक्शन है, मैंने यहां पर फर्स्ट रिएक्शन आपके सामने ली, जैसे H2 प्लस Cl2, और मैंने यहां पर एक बना दिया आपका प्रोडक्ट टू एच सी एल। दूसरा मेरे पास एग्जाम्पल आपका, मान लो मेरे पास N2 प्लस 3H2, उसके बाद मेरे पास 2NH3, एक मेरे पास रिएक्शन ही हो गई। मान लो मेरे पास रिएक्शन तीसरी NaOH प्लस HCl, और मेरे पास यहां से एक आपका बन जाएगा NaCl और प्लस बन जाएगा आपका वाटर। ठीक है भाई, अब स्टैकियोमेट्री गुणांक है क्या? देखो पहले आपको रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी। बैलेंस का मतलब इधर दो हाइड्रोजन तो वहां भी दो ही हाइड्रोजन है, इसकी मल्टीप्लाई एच में भी करेंगे और सीएल में भी करेंगे, बिल्कुल बेस है। दो सीएल तो यहां पर इसकी दो की मल्टीप्लाई एच में भी और सीएल में भी तुम्हारे पास क्या यहां पर आ जाएंगे? ये दो सीएल आ जाएंगे। ठीक है, सेम कहानी, सब कुछ यहां पर बैलेंस है। तो आपको पहले चेक करना है कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, तो रिएक्शन यहां पर बैलेंस है। अब बात करते हैं स्टैकियोमेट्री गुणांक की। देखो जो भी अभिकारक के सामने यहां पर लिखा होगा वही आपका स्टैकियोमेट्री गुणांक होगा। कितना आसान है, यहां पर देखो कुछ नहीं लिखा है तो वहां पर वन मान के चलते हैं। यहां वन है, यहां पर कितना होगा? यहां भी आपका ये वन मान के चलेंगे आप। यहां पर कितना है? ये टू हो गया। क्लियर? सेम कहानी आपके पास, यहां पर कितना है? यहां वन है, और यहां पर कितना है? ये तीन है। इनको बोलते हैं हम क्या?
स्टैक्योमेट्री गुणांक, यहां पर कितना हो गया ये, यहां पर ये दो हो गया है, इधर कुछ नहीं है तो वन मान के चलेंगे, ये वन और आपका ये भी वन हो जाएगा। सेम कान इधर, ये भी वन हो जाएगा और ये भी आपका वन हो जाएगा। क्लियर। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं, यहां पर रिएक्शन के अंदर यहां पर मान लो जी लिखा है, तो जी का मतलब यहां पर होता है गैस, सही है। मान लो हमारे पास यहां पर ए क्यू लिखा है, चलो यहां पर अभी गैस मान लो कि नाइट्रोजन तो गैस होती है ना, गैस है। इसकी बात करो, मान लो यहां पर लिखा है ए क्यू, अब इस ए क्यू का मतलब है एक्वस, इसका मतलब है एक्वस, मतलब इसका क्या है, क्या आपने इस NaOH को जल में डाल दिया है। सिंपल, हमारे पास यहां पर लिखा है L, इसका मतलब ये लिक्विड है, मान लो यहां पर S लिखा है, S का मतलब सोलिड या ठोस, का हो गया स्टोइकोमेट्री गुणांक। नेक्स्ट, अब आपको हम एक इंपोर्टेंट बताएंगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, उसको सब बच्चे ध्यान से सीखेंगे, इसी पे क्वेश्चन बनता है नीट के अंदर, वो क्या है। पहले हम लिखते हैं यहां पर, हमने इक्वेशन लिखी है मेथेन के कंबस्चन की, CH4 ये मेरे पास गैस, इसको हमने जला दिया है, उसको बोलते हैं दहन। तो जब भी दहन का वर्ड आ जाए कि मेथेन का दहन किया गया, तो वहां लेते हैं ऑक्सीजन, वहां क्या लेते हैं हम लेते हैं ऑक्सीजन। अभी आपको यहां पर ऑक्सीजन बैलेंस मत करना, अपने आप निकल के आ जाएंगे ऑक्सीजन। देखो आपको करना क्या है, ध्यान से देखना सब बच्चे, यहां पर कितने कार्बन है, सर एक कार्बन है, तो आप वहां पर एक CO2 बना दो, तो हमने यहां पर एक CO2 बना दी, वन CO2 बना दी। क्लियर। कितने हाइड्रोजन है, सर यहां पर चार हाइड्रोजन है, तो आप एक काम करो, आप यहां पर अगर चार हाइड्रोजन है तो टू एच टू ओ बना दो, ये मेथेन का कंबस्शन हो गया है, ये मेरे पास क्या है, मेथेन का दहन हो गया है। अब मैं यहां पर ये गैस है, ये भी गैस हमारे पास, ये भी गैस है हमारे पास, और CO2 भी गैस, और ये लिक्विड, ये लिक्विड लास्ट का लाना हो, ठीक है। अब देखो हम इसको किस तरीके से बोलते हैं, पहले बोलते हैं कि वन मोल मेथेन का। अब एक बात समझो सब बच्चे, यहां पर कितने यूज हुए ऑक्सीजन, सर दो तो आपके पास ही है, देखो इसकी मल्टीप्लाई आपको इधर भी करनी है भाई, दो तो आपके पास ही है, दो हैं, कितने टोटल, सर चार हो गए, तो आपको यहां से टू से मल्टीप्लाई कर देनी है, दो दुनी चार, ये चार ऑक्सीजन हो जाएंगे। अब देखो क्या करना है, वन मोल मेथेन का दो मोल ऑक्सीजन के, जो आगे लिखा है ये मोल होते हैं भाई, यहां पर मिलकर रिएक्शन करके वन मोल CO2 बनाएंगे, वन मोल CO2 बनाएंगे, और दो मोल क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। पहला पॉइंट समझ में आ गया है, आराम से सीखना बिल्कुल। वन मोल, क्योंकि यहां पर वन लिखा है, मेथेन का दो मोल ऑक्सीजन, क्योंकि यहां पर दो लिखा है, रिएक्शन करके, ठीक है, एक मोल CO2 का और दो मोल H2O के बनाते हैं। अब हम इसको दूसरे कैसे लिखेंगे, देखो दूसरा, देखो सब बच्चे, आप सब जानते हैं कि CH4 का मोलर मास या मोलर द्रव्यमान कितना होता है, सर 16 होता है, तो आप इसको ऐसे लिखते हैं, सर 16 ग्राम CH4। अब आपको पता है कि एक ऑक्सीजन का होता है 16, दो का होता है 32, तो 32 दुनी 64, 64 ग्राम O2 के साथ रिएक्शन करने के पश्चात
CO2 कितनी हमारे पास होता है सर? इसका 44 होता है, 44 ग्राम CO2 बनाता है और एक H2O का होता है 18, तो दूनी कितना हो जाएगा 36। 36 ग्राम क्या बनाएगा? वाटर बनाता है। आपको ये एक दूसरे साथ जोड़ने हैं। अब मोल में आ गया हमारे पास, इसमें आ गया, इसमें आ गया। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी गैस के रूप में। ये भी गैस, ये भी गैस, वो भी गैस, वो भी गैस, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे ये 1 मोल, आप सब बच्चे जानते हैं। नहीं जानते हैं तो आप मेरे ना जो पिछले वीडियो पढ़े हैं वो चेक कर लेना। मैंने वहां पर समझा रखा है कि 1 मोल गैस में बराबर होता है 22.4 लीटर के। 1 मोल 22.4 लीटर के बराबर होता है गैस के रूप में, ठीक है। अब इसको हम बोलते हैं तीसरे रूप से। कैसे बोलेंगे कि 22.4 लीटर मेथेन, अभी कितने मोल हमारे पास? 2 मोल है। तो आप यहां एक काम करना, 2 से गुणा करके लिख देना 22.4 लीटर के साथ। रिएक्शन करने के पश्चात ये CO2 कितना है? 1 मोल है। तो आपको यहां क्या लिखना पड़ेगा? यहां आपको लिखना पड़ेगा 22.4 लीटर गैस के रूप में। वहां अगर गैस के रूप में लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे यहां पर क्या लिखेंगे हम, 2 गुणा, और उसके बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 गुणा 22.4 लीटर। 22.4 लीटर, 3 पूरे हो गए ना भाई, ठीक है। फोर्थ देखो, हम एक बात और जानते हैं कि 1 मोल में संख्या होती है अवोगाद्रो के बराबर, Na के बराबर होता है। तो इसको हम एक तरह से और लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि इसके Na मोल, ये कितना हो जाएगा? 2 गुणा Na, ये कितना हो जाएगा हमारे पास Na, ये कितना हो जाएगा 2 गुणा Na, ये वाला आपके पास। तो सबसे पहले अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनकी बैलेंस इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद आपको ये लिखना है, इसका 1 मोल, इसके 2 मोल, उसका 1 मोल, उसके 2 मोल। फिर ग्राम में बात करनी है तो उसका 16 ग्राम, इसका 64 ग्राम, उसका 44 ग्राम, उसका 36 ग्राम। बात करनी लीटर में तो इसका 22.4 लीटर, इसका 2 गुणा इतना, उसका इतना। आ गया समझ में? अब इस पर कुछ क्वेश्चन है, इसमें कुछ हमारे पास क्वेश्चन है, अब आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है भाई। चलो, ये मेरे पास पहला क्वेश्चन आ गया है, वो तो आसान क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। 16 ग्राम मेथेन के दहन से प्राप्त जल की मात्रा का परिकलन ग्राम में कीजिए। सेंसेटिव क्वेश्चन है, तुम्हारे पास यहां पर 16 ग्राम है, कितना है ये? 16 ग्राम। पहला काम क्या करेंगे आप? बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे। जो लिखते हैं हमारे पास मेथेन का फॉर्मूला, मेरे पास ये रहा, CH4+O2, आप एरो बना लो, ठीक है भाई। ये आपका आ जाएगा CO2+, उसके बाद बचता है हमारे पास 2H2O। इक्वेशन बैलेंस है हमारे पास, ये बैलेंस यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देना भाई, क्लियर है। अब ये कितना है आपके पास? सर ये 16 ग्राम है। कितना है? 16 ग्राम। बताओ 16 ग्राम से हमको कितना मिलता है जल? तो सर जल मिलता है 2 गुणा, इसका कितना होता है हमारे पास? इसका होता है सर 18, तो 2 गुना 18, तो कितना आ जाएगा? 36 ग्राम। क्लियर, आसान है बिल्कुल। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका हमारे पास? जो इसका आंसर होगा वो इसका आंसर आ जाएगा सर, आपको मिलेगा 36 ग्राम। कितना? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, उन्हीं की बात कर रहा मैंने। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आ जाएगा। चलो, क्या लिखा है? मेथेन हमारे पास ये लिखा है, मेथेन के कितने मोलों के दहन से, मेथेन के कितने मोलों के दहन से 22 ग्राम CO2 प्राप्त की जाती है या प्राप्त
होगी। तो मेथेन के हमारे पास पहले हम फिर लिखते हैं इक्वेशन इसकी मेथेन की। हमने आपके सामने ये लिख दी मेथेन की इक्वेशन, CH4 2O2, उसके बाद हम यहां पर लिखते हैं CO2 प्लस 2H2। ठीक है भाई, तो मेथेन के कितने मोलों के दहन से 22 ग्राम CO2 प्राप्त की जाती है। देखो सवाल में ध्यान समझना, उसने सवाल पता कराया मेथेन कितने मोलों से, कितने मोलों से, मोलों से पता कराया उसने। तो देखो 1 मोल से आपको CO2 कितनी मिलती है भाई बताओ। सर CO2 मिलती है 44 ग्राम। आ गया समझ में, एक दूसरे से आप उनको रिलेट करेंगे तो 1 मोल से प्राप्त होती है 44 ग्राम। ठीक है भाई, तो बताओ 1/2 मोल से कितनी प्राप्त होगी। सर मोल हाफ करेंगे तो आपकी CO2 भी हाफ हो जाएगी, तो ये कितनी प्राप्त होगी आपको 22 ग्राम। तो कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आंसर आ जाएगा इसका। सर 0.5 मोल से हमको प्राप्त होगी, मतलब 0.5 मोल होंगे किसके, मेथेन के, इनसे हमको प्राप्त हो जाएगी 22 ग्राम CO2। क्लियर, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, 12.35 ग्राम CuCO3 कॉपर कार्बोनेट को गर्म करने पर प्राप्त कॉपर ऑक्साइड का, किसका भाई, कॉपर ऑक्साइड का द्रव्यमान कितना होगा। ये कॉपर का दे रखा आपको परमाणु द्रव्यमान। तो पहला काम हम करते हैं बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं, इसको गर्म करने पर क्या क्या आपको प्राप्त होगा वो देख लेते हैं हमारे पास। ठीक है भाई, तुमने यहां पर आपको दिखा दिया है कि जब वक्त आप CuCO3 को हीट करते हैं उस वक्त आपको एक मिल जाएगा CuO और साथ में CO2 प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगा साथ में आपको, CO2 प्राप्त होगी। बहुत सिंपल है, इसका 1 मोल हीट करने पर कॉपर ऑक्साइड का भी देता है 1 मोल और CO2 का भी देता है 1 मोल। ठीक है भाई, इनको लिखते हैं ग्राम में, इनको लिखते हैं ग्राम में। तो इसका पहले मैं निकाल लेता हूं परमाणु भार कितना होगा। तो देखो कॉपर का हमारे पास रखा है 63.5, तो कॉपर का हो गया है, कार्बन का 12 होता है और एक ऑक्सीजन का 16, तो 16 × 3 = 48। इनको आप जोड़ लो, 8 + 10 = 13, 13 × 3 = 1 मेरे पास आ जाएगा 6 × 7 = 7 × 8 = 4 = 12, ये आ गया 12.5। तो इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, वो तरीका कौन सा मेरे पास होगा कि मेरे पास 123.5 ग्राम CuCO3 गर्म करने पर, इसका आप निकाले देख लो, तो हम इसको निकालते हैं 63.5 और कितना है इसका 48, सॉरी यहां पर आप लिखेंगे केवल, आप यहां पर केवल वहां पर एक ऑक्सीजन है केवल यहां पर, चलो मैं उधर निकाल देता हूं, मैं उधर निकाल देता हूं इसका। तो मेरे पास इस कॉपर का दे रखा है कितना 63.5 और एक ओ का होता है कितना भाई लोगों, 16, तो आप इनको जोड़ देना 0.5, ये आ जाएगा, ये आ गया है कितना 79.5 ग्राम। आराम समझना, CO2 कितनी होगी, सर CO2 होगी 44 ग्राम, CO2 कितनी होगी, सर CO2 होगी 44 ग्राम। क्लियर है, चलो अब आप दोबारा देखो इस, अब इसको सीखना आप सब बच्चे, 123.5 ग्राम से 79.5 ग्राम प्राप्त होता है, तो मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, इतना प्राप्त होता है 123.5 ग्राम से
कितना प्राप्त होता है, 7.5 ग्राम प्राप्त होता है। तो बताओ इसके 1 ग्राम से कितना प्राप्त होगा? तो सर जिस वक्त भी आप 1 ग्राम से निकालेंगे तो आपको सिंपल इतना काम करना है, इसको उठा के उसके बट्टे में ले जाना है। तो हम क्या बोल देंगे, सर ये हो जाएगा 79.5 अपॉन कितना, 123.5 ग्राम। इसके 1 ग्राम से, इसके 1 ग्राम से आपको इतना मिलेगा CuO, कॉपर ऑक्साइड। क्लियर है? अब सवाल में कितना दे रखा आपके पास, 12.35 ग्राम दे रखा है CuCO3। तो क्या करेंगे आप, इसमें मल्टीप्लाई कर देना जो ऊपर गिवन है, ये कितना है 12.35। ठीक है भाई, अब गुणा भाग कर लो थोड़ी सी। यहां से काम करो आप, ये पॉइंट हटा दो और दो के बाद तो यहां नीचे दो पॉइंट बढ़ा दो, उसके बाद इस पॉइंट से वाला पॉइंट हटा दो आप, उसके बाद ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। आप इस 100 से भाग देंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना जाएगा, 7.95 ग्राम। क्लियर है? तो 12.35 ग्राम CuCO3 से 7.95 ग्राम क्या प्राप्त होगा आपको, कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद कर लेते हैं, हमारे पास ये क्या लिखा है, ये लिखा है आपके यहां पर 11.2 लीटर CO2 प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम CaCO3 को गर्म करना होगा। ठीक है भाई, ये चेक करना है हमें, 11.2 लीटर CO2 प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम CaCO3 को गर्म करना होगा। अब सबसे पहली बात, उसको गर्म करते हैं CaCO3 को। जिस बच्चे को नहीं पता है कि CaCO3 गर्म कैसे होता है, तो आज के बाद आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। जब भी आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो आप साथ में बना देंगे एक CaO बना देंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, और यहां पर आप दूसरा बना देंगे CO2। ये बन गया भाई, क्लियर है? अब मोल में बात करते हैं। देखो मैं आपको फिर समझा देता हूं, इसका पूरा कंप्लीट एक मोल है भाई, ये पूरा एक मोल CA के भी आपको एक मोल देगा और एक मोल आपको देगा CO2 का। दिख रहा है ना, एक मोल देगा CO2 का। क्लियर? अब ग्राम की बात कर लो आप, ग्राम में देखो सब बच्चे, चलो पहले इसका आप निकालना चाहते हैं हमारे पास, तो मैं आपको ऐसे बताता हूँ, फिर भी आप निकाल लो। कैल्शियम का लिखेंगे 40, कार्बन का 12 और ये 48। अब आप हमेशा याद रखेंगे कि CaCO3 का जो एटॉमिक वेट है वो 100 ग्राम है। कितने ग्राम है, 100 ग्राम। 100 ग्राम हीट करने पर इसका आता है 56 ग्राम। 56 ग्राम वो क्या मिलेगी, CaO मिलेगा, और 44 ग्राम क्या मिलेगी आपको, 44 ग्राम आपको CO2 मिलेगी। क्लियर? ठीक है, अब आप मुझे बता दो, अगर मैं इसको मोल में लेके जाऊं सॉरी लीटर में जाऊं, तो बताओ 1 मोल, इसका 1 मोल से इसका 1 मोल मिला है, तो अगर 1 मोल किसके बराबर होता है, सर 1 मोल तो बराबर होता है 22.4 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, अब सवाल में कितना चाहिए, सर सवाल में तो हमें 11.2 लीटर चाहिए। कितना, 11.2 लीटर, मतलब इसका हाफ चाहिए हमको, इसका आधा चाहिए। जो सवाल में आपके पास गिवन है वो 11.2 लीटर आपको गिवन है, सॉरी चाहिए। अब आप मुझे बता दो ये कितना है, 100 ग्राम। अगर मैं इसको हाफ कर दूं, ये मैंने कर दिया है 50 ग्राम, तो इसके 50 ग्राम से आपको क्या प्राप्त होगा, 11.2 लीटर CO2 प्राप्त होगी। तो आंसर कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर 50 ग्राम। 50-19 में आया था नीट का, क्या लिखा है, हैबर प्रक्रम द्वारा। देखो जब भी बढ़ाएगा ना हैबर, तो जिन बच्चों को नहीं पता मैं उनको बता देता हूं, हैबर
जो परक्रम होता है उससे अमोनिया बनती है। हैबर परक्रम द्वारा अमोनिया के 20 मोल किसके भाई 20 मोल बनाने के लिए आवश्यक हाइड्रोजन अणुओं के मोलों की संख्या होगी। तो पहला काम आपका होगा बैलेंस इक्वेशन लिखना। चलो लिखते हैं फटाफट बैलेंस इक्वेशन N2 प्लस 3H2। यहां से आप बना देना 2NH3। ये मैंने लिख दी बैलेंस इक्वेशन। अब आप इस्तेमाल करना स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का। इसका 1 मोल ठीक है सर, इसके 3 मोल ये भी सही है, मिलकर बनाएंगे 2 मोल। ये सही नहीं है, आप क्या सोच रहे होंगे 3 × 1 = 4, तो इसके बने 4 मोल बनने चाहिए थे, यहाँ बनते हैं 3, यहाँ बने 2 मोल। तो घबराना मत, नया टॉपिक आएगा सीमांत अभिकर्मक, उसमें आपको बताएंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है भाई, अच्छा मुझे बता दो 2 मोल जो बने हैं उसमें H कितना इस्तेमाल होता है? सर 3 मोल तो हैं, तो मैं आप ऐसा लिख देता हूँ कि 2 मोल से 2 मोल अमोनिया बनने के लिए एच के लगते हैं 3 मोल। क्लियर, 1 मोल अमोनिया बनने के लिए एच के लगेंगे 3/2 मोल। ये भी क्लियर। अब कितने बनाने हैं हमारे पास, 20 मोल बनाने हैं, ये 1 मोल बनाया अमोनिया का, तो आप एक काम करो इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा? सर आंसर आ जाएगा 30। तो एच के आपको चाहिए, एच के आपको चाहिए 30 मोल। कितने भाई, एच के आपको चाहिए 30 मोल। ठीक है, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको मिलेंगे सीमांत अभिकर्मक में।